हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे Y20G का जो कि FFT और पासवर्ड अनलॉक कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास Y20G वाला फ़ोन है, इसका पैटर्न लॉक लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो पैटर्न लॉक है आप लोग कैसे रिमूव कर सकते हो, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो फुल देखते रहना और टाइप भी स्किप मत करना, क्योंकि जो फाइल मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वो बिल्कुल फ्री वाला है। तो वीडियो के अंदर में कहीं भी पासवर्ड दे दूंगा, आप लोग वहाँ से पासवर्ड को देख लेना, क्योंकि आप लोग जो होती है वीडियो देखते हो, स्किप करके देखते हो, बाद में समझ में नहीं आता है, मेरे को बोलता उल्टा सीधा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो देखो, अच्छे से देखो, कोई दिक्कत नहीं, फुल वॉच करो वीडियो को। अंदर जो कि है मैं पासवर्ड दे दूँगा, तो मैं पीसी के स्क्रीन में हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर जो कि है मेरा एक फुलर टू वाला है, ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी स्टार्ट करके रखा है M32 को, एंड इस पे प्लस टू को मैं डेस्कटॉप पे स्टैक करूँगा। तो इसको मैंने यहाँ से डेस्कटॉप पे स्टैक कर लिया, और ये जो कि है मेरा फाइल है, जो फाइल आपको नीड है, तो यहाँ से मैं इसको स्टैक कर लेता हूँ। को भी मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूँ स्टार्ट। तो ये भी जो कि डेस्कटॉप पे स्टार्ट हो चुका है। अब आप कह रहे हैं सबसे पहले तो आपको जो कि किस में कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये M32 को पहले ओपन कर लेना है। अब लोगों को ये जो फाइल है, ये आप लोगों का टेलीग्राम का फाइल मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, और वहाँ पे एक फोटो मिल जाएगा जो टेस्ट पॉइंट वाला है, ये फिर है। ठीक है, पहले तो वॉल्यूम अप डाउन से होता था, ये ज़्यादा लेटेस्ट वाला फ़ोन है, अपडेट वाला फ़ोन है, लेटेस्ट अपडेट में एंड्रॉयड 11 में है। ठीक है, तो इसको जो कि टेस्ट पॉइंट से करना पड़ेगा, वॉल्यूम अप डाउन से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से बाईपास को क्लिक कर रहा हूँ। देन आपको क्या करना है, जो टेस्ट पॉइंट है इसका, टेस्ट पॉइंट को शॉर्ट करके USB केबल को इन कर देना है। ठीक है, आपको शॉर्ट का थोड़ा ध्यान रहना है कि जो कैपेसिटर लगा हुआ है CLK का रिमूव नहीं हो जाए। ठीक है, रिमूव हो जाएगा तो फ़ोन जो कि आपका ऑन नहीं होगा। ठीक है, मैंने लिया, मैं वापस से करता हूँ। अगेन करता हूँ, यही ज़्यादा मुश्किल की चीज़ है कि ये यूज़ जो किया शॉर्ट करके करना पड़ता है, तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत सी आती है। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे जो कि है बाईपास हो चुका है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको साइड में रहना है, देन आपको यहाँ पे इसमें फ्लैश टूल में चले जाना है। को यहाँ से ऑन कर लेना है। ठीक है, और एक स्टैंड में रहना है, जो कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है वो रिमूव नहीं हो जाना चाहिए। अगर रिमूव हो जाएगा तो आपको फ़ोन जो कि है वो बूट नहीं होगा। ठीक है, फोन ऑन नहीं होगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रहना है। देन यहाँ पे लोड स्कैडर पे जाके आपको सिलेक्ट कर लेना है, डेस्कटॉप पे जाना है, देन ये जो 20 वाला फाइल है इसको क्लिक कर देना है, देन ये जो स्कैडर फाइल आपका है इसको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैडर फाइल सिलेक्ट हो गया, देन आपको यहाँ पर फॉर्मेट पर चले जाना है, मैनुअली फॉर्मेट पर उस पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको Y20G वाला फोल्डर में आ जाना है। अब इसको ऑन कर लेना है, FRP बटन अनलॉक को। तो यहाँ पे आपको दो कोड मिल जाएगा, एक तो है यूजर डेटा, एक ये वाला है पैटर्न वाला है। ठीक है, और दूसरा ये है FRP वाला। आपको क्या कर ला, आपको क्या करना है, इधर से कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी कर लेना है, इसको फुल इरेज कर देना है, देन यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर लेना है। देन जो दूसरा वाला है ये वाला, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, देन इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये जो कि है
आपको ध्यान में रहना, ये जो दोनों कोड है, एक ये रहा एक ये रहा, ऊपर का ऊपर में जाएगा, नीचे वाला नीचे में जाएगा, ठीक है। गलत मत डालना, यहाँ पे बहुत सारे संभाल के, ठीक है, यहाँ पे बहुत मुश्किल हो सकता है। आपको जो सेम है सेम ही डालना है। देन यहाँ पे आना है ऑप्शन में, आगे उनमें चले जाना है, कनेक्ट जाना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको जो कि है हाई वोल्ट में कर देना है। यहाँ पे पोर्ट आपका जो कि है 18 है, मेरा यहाँ पे हुआ, आपका वहाँ पे अलग ही हो सकता है, ये आप लोग देख सकते हैं कॉम्फर्ट 18 है, ठीक है, मेरा यहाँ पे। तो यहाँ पे पोर्ट आपको सिलेक्ट कर देना है। देन यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है, सिंपली यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। देन एक लोड ले चुका है, देन यहाँ पे डन हो चुका है, ठीक है। इसको जो कि है पासवर्ड रिमूव हो गया। सेम ये स्टेप है, या सबको FRP पे FRP वाला ले लेना है। यहाँ पे FRP को दबा देना है। दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जैसा उस टाइम में किया बिल्कुल सेम ही कर लेना है। FRP के लिए, ये FRP के लिए इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। तो नीचे जो अपने कॉपी के उसको पेस्ट कर देना है, ये दो पेस्ट हो चुका है। देन अगेन सेम प्रोसेस, बाईपास पे क्लिक कर देना है। मैं इस टाइम नहीं कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रहा है, ठीक है। तो आपको सेम प्रोसेस है, आपको वापस से सेम ही अप्लाई कर देना है, कुछ अलग चीज़ नहीं करने का। जैसे आपने पासवर्ड को किया, देन सेम आपको करना है, यहाँ पे USB को कनेक्ट कर देना है। मेरा यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ट्राई किया था, क्योंकि लोगों को पता है जो वीडियो में पहले ट्राई करता हूँ वर्किंग करते हैं फिर मैं अपलोड देता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ, ज़्यादा ट्राई नहीं करूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे जो कैपेसिटी लगा हुआ है रिमूव हो सकता है मेरा। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ, और फ़ोन को जो कि है मैं अब बूट करके दिखाता हूँ कि फ़ोन बूट होता है कि नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि फ़ोन डेड हो जाता है, वो वाला मसला रहता है। तो मैं यहाँ से फ़ोन को ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ से मेरा फ़ोन जो कि है ये भी वो लिख के आ चुका है, और यही फ़ोन है। आप सब लोगों को बताया, जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ बिल्कुल टेस्ट करके अपलोड करता हूँ, पहले मैं खुद ट्राई करता हूँ, देन उसका बाद ही मैं आप लोगों को देता हूँ। तो वीडियो का जो पासवर्ड है मतलब आप लोगों को मिल गया है, ठीक है। जो स्किप करके देखा है उसको नहीं मिला है, स्किप मत करना, देख लेना। टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मेरा जो फ़ोन है इस पर FRP लगा हुआ नहीं है, तो मैं रिमूव भी नहीं किया, इसलिए आप लोग रिमूव कर लेना FRP का जो प्रॉब्लम है आप लोगों का। इससे जो कि आपका प्रॉब्लम 100% वर्किंग, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई इशू नहीं आएगा। बस आपको एक चीज़ करना है, पहले जो कि है वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके हो जाता था, अभी का जो टाइम है लेटेस्ट अपग्रेड के बाद जो हुआ है इसको टेस्ट पॉइंट पे ही शॉर्ट करना पड़ रहा है, वरना फ़ोन जो कि है ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। और सॉरी, फ़ोन जो कि है कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो फ़ोन जब तक बूट होता है तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहिए, मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ यहाँ से स्विच करके कैमरे को। तो मेरा फोन जो कि है होम स्क्रीन पे आ चुका है, लोग देख सकते हैं। FRP भी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। तो उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगे तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाजू में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लेना।